बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। कसामवर टीवी में आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। हमारी आज की वीडियो का मौजू है सल्फ़र कोटेड यूरिया, सल्फ़र और नाइट्रोजन का ताकतवर मिलाप, फ़ायदे और खसूसियात। किसान दोस्तों, आज हम सल्फ़र कोटेड यूरिया के बारे में आप तक कुछ कार आमद और मुफीद मालूमात पहुंचाएंगे, सल्फ़र कोटेड यूरिया की खसूसियात और फ़ायद बताएंगे। किसान भाइयों, सल्फ़र कोटेड यूरिया की 25 किलोग्राम पैकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबक 32% नाइट्रोजन और 13% सल्फ़र के साथ पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से मंसूर शुदा मियारात के मुताबिक जदीद तरीन प्लांट पर तैयार करके पूरे पाकिस्तान के किसानों को मुकम्मल एतमाद के साथ फराहम की जा रही है, जिसे इस्तेमाल करके पाकिस्तानी किसान तमाम फसलों, सब्जियों और बागात से ज़्यादा पैदावार लेकर अपनी खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। सल्फ़र कोटेड यूरिया दानेदार खाद पाकिस्तान की असासी ज़मीनों के लिए बेहतरीन तेजाबी खाद है। सल्फ़र कोटेड यूरिया में चूंकि यूरिया के हर दाने पर सल्फ़र की तह चढ़ी होती है, इसलिए ये हवा में उड़कर ज़ाया नहीं होता। ज़रई माहरीन का कहना है कि आम यूरिया को छट्टा देने के बाद अगर फौरी तौर पर पानी ना दिया जाए तो आम यूरिया का कसीर हिस्सा हवा में उड़कर ज़ाया हो जाता है, जबकि सल्फ़र कोटेड यूरिया को छट्टा देने के बाद अगर कई दिनों तक भी पानी मुयस्सर ना आए तो यूरिया के हर दाने पर सल्फ़र की तय होने की वजह से हवा में उड़कर ज़ाया नहीं होता, बल्कि जैसे ही इसे पानी मिलता है ये हल होकर ज़मीन में जज्ब हो जाता है और नाइट्रोजन और सल्फ़र पौधों को फौरी तौर पर दस्तयाब हो जाती है, जो असासी ज़मीनों में भी तेज़ाबी खसूसियात होने की वजह से पौधों के लिए फौरी दस्तयाबी को यकीनी बनाती है और खेत में नाइट्रोजन को ज़ाया होने नहीं देती और यूं नाइट्रोजन और सल्फ़र फसल उगने से लेकर पकने तक हर मरहले पर दस्तयाब होती है, जिसकी बदौलत दाने और फल चमकदार, भरपूर, खुश जायका, तादाद में ज़्यादा, मोटे और वज़नी होने की वजह से झाड़ और पैदावार में यकीनी इजाफा होता है। सल्फ़र कोटेड यूरिया आम यूरिया के मुकाबले में ज़्यादा दिनों तक पौधों को मुयस्सर रहता है, जबकि आम यूरिया की दस्तयाबी इसके मुकाबले में बहुत कम दिनों तक होती है। मार्केट में मिलने वाले दीगर सल्फ़र कोटेड यूरिया खादों के मुकाबले में हमारा सल्फ़र कोटेड यूरिया पानी में ज़्यादा हल पज़ीर है, आसान इस्तेमाल है और हर किस्म के मौसम में खाद की फराहमी से पैदावार में यकीनी इजाफा होता है और दीगर सल्फ़र कोटेड यूरिया खादों के मुकाबले में हमारा सल्फ़र कोटेड यूरिया कहीं ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। सल्फ़र कोटेड यूरिया दानेदार खाद कलराठी और ज़्यादा पीएच वाली ज़मीनों की पीएच कम करके ज़मीन में मौजूद फिक्स गज़ाई अनासर को एक्टिव करता है और इनकी पौधों को यकीनी दस्तयाबी के लिए काम करता है, जिससे पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा होता है। ज़्यादा बारिशें, ख़राब मौसम, ज़्यादा नमी और कम रोशनी की वजह से अगर पौधों के पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाएं तो सल्फ़र कोटेड यूरिया से पत्ते दोबारा सरसब्ज़ो शादाब और लश ग्रीन हो जाते हैं। सल्फ़र कोटेड यूरिया पौधों में क्लोरोफिल पैदा करके ज़ाई तालीफ़ के अमल को तेज़ करता है, जिससे पौधों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती है। सल्फ़र कोटेड यूरिया से फसलों के झाड़ में अच्छा खासा इजाफा होता है, इससे सब्जियों की पैदावार में इजाफा और फलों की मकदार के साथ साथ क्वालिटी और जायके में भी बेहतरी आती है। सल्फ़र कोटेड यूरिया का इस्तेमाल बतौर फंजीसाइड भी काम करता है। सल्फ़र कोटेड यूरिया के इस्तेमाल से ज़ेरे ज़मीन पैदा होने वाली फसलों जैसे कि आलू, शकरकंदी, लहसुन, मूली, शलजम और प्याज वगैरह की फसल की पैदावार में बेपना इजाफा करता है। सल्फ़र कोटेड यूरिया ज़मीन के बंद मसाम को खोलता है और ज़मीन को नरम व भुरभुरा बनाकर ज़मीन में पड़े गज़ाई अज्जा को पौधों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाकर ज़मीन को ज़रखेज़ और फसलों, सब्जियों और बागात का झाड़ बढ़ाकर पैदावार में कई गुना इजाफा करता है। सल्फ़र कोटेड यूरिया से पौधे की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा फैलती हैं, जिससे पौधे का तना ज़्यादा मोटा, मज़बूत और ताकतवर होता है,
जिससे फसल गिरने और ज़मीन पर लेटने से महफूज रहती है और यूँ झाड़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक जदीद तरीन प्लांट पर तैयार करदा सल्फर कोटेड खाद पानी में हल पजीर और खूबसूरत दानेदार खाद है जो इस्तेमाल में इंतहाई आसान है। सल्फर कोटेड यूरिया दानेदार खाद तमाम फसलों, सब्जियों और फलदार पौधों की जड़ों के फैलाव और तने की मजबूती का बायस बनता है। नाजरीन, सल्फर कोटेड यूरिया फसल की वक्त बर्दाश्त जो है उसमें बहुत मददगार होता है, बर वक्त उसकी बर्दाश्त में मदद देता है, यानी कि फसल जो है वो जल्दी बर्दाश्त के काबिल हो जाती है। सल्फर कोटेड यूरिया फसल उगने से पकने तक पौधों के लिए गजाइत की दस्तयाबी को यकीनी बनाता है। सल्फर कोटेड यूरिया खाद फसलों, सब्जियों, फलदार पौधों, ख़ास तौर पर ज़्यादा पीएच वाली ज़मीनों के लिए इंतहाई मौजूं खाद है। ज़रई माहरीन का कहना है कि अगर 2 बैग सल्फर कोटेड यूरिया, 2 बैग BOP और 1 बैग NP फी एकड़ इस्तेमाल किया जाए तो 1 बैग DAP और 2 बैग आम यूरिया से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये खादें रवायती खादों की नस्बत सस्ती भी पड़ती हैं और पैदावार में भी इजाफा होता है। सल्फर कोटेड यूरिया खाद हुकूमत पाकिस्तान के तमाम स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक मंजूर शुदा होने की वजह से 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के किसान मुकम्मल एतमाद के साथ साल हर साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी शानदार रिजल्ट देने वाली सल्फर कोटेड यूरिया खाद खरीदना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 03226780242 पर राबता कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान। प्यारे पाकिस्तान।